सरों का। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां एक तरफ सीएम योगी ने अवैध अतिक्रमण और अवैध टैक्स स्टैंड को हटाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए थे और 15 अप्रैल तक सघन अभियान चलाकर सभी अवैध स्टैंडों को हटाने के आदेश दिए थे। वहीं दूसरी तरफ कुर्सी रोड स्थित गुडम्बा थाना क्षेत्र के सेंट मैरी हॉस्पिटल से डग्गा मार वाहन लगातार सवारी भर रहे हैं और रोड पर वाहन खड़ी करके जाम का कारण बन रहे हैं। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बता दें कि शासन ने 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए थे। उसी के मद्देनजर जिला प्रशासन की टीम ने राजेंद्र शुक्ला, SDM न्यायिक और CO सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर के त्रिपुरा चौराहे से लेकर मामा चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से कब्जा करके लगाए गए होर्डिंग्स और अतिक्रमण को JCB के द्वारा तोड़ा है। बता दें कि 15 अप्रैल तक अवैध वाहन स्टैंड से लेकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। को लेकर के और जो अस्थायी प्रकृति का अवैध अतिक्रमण है, उसको आज त्रिपुरा चौराहे से लेकर के और इस समय सिविल लाइन्स चौराहे पे कार्रवाई चल रही है। इसमें जो लोग स्थायी रूप से निर्माण किए हैं, उनका भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस अतिक्रमण में नगर पालिका, पुलिस, परिवहन विभाग, प्रशासन बुलंदशहर में डॉक्टर चंद्रमोहन के प्रदेश भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर अपनी गृह विधानसभा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री ने कहा कि इस जनपद में विकास की गंगा बहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जनता के साथ हूँ, विकास और जनता का सम्मान ही मेरे लिए सर्वोपरि है। बहुत कार्यकर्ताओं में, चिंतकों में, समर्थकों में जो उत्साह है, वो इस बात का परिचय है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक कीर्तिमान बनाने जा रही है। निकाय चुनाव में हम जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है, हम उसको तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं बीते दिनों रामनवमी के जुलूस में हुए मारपीट और पथराव की घटनाओं के चलते हजरतगंज ACP को ज्ञापन सौंपा। साथ ही देश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। एक मैसेज देंगे कि आप जुम्मे को चुनकर जुम्मे के दिन एक भीड़ इकट्ठी करके पूरे देश को जलाने का जो कार्य कर रहे हो, ये सहन नहीं होगा। अगर किसी दिन हिंदू जुम्मे का जवाब मंगल से करके अमंगल करना शुरू कर देगा, उस दिन देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब किसी भी लोगों का हम जो है किसी भी ऐसे लोगों का हम विरोध नहीं करते हैं जो शांतिपूर्वक देश में रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस प्रकार से दंगाइयों को उन पर कड़ी कार्रवाई करती है, उनके पोस्टर लगाती है, उनपे उनसे वसूली का अभियान चलाती है, इसकी याचिका भी उत्तर प्रदेश में माननीय न्यायालय मैंने रखी। खबर गाजियाबाद से है, जहां केंद्रीय मंत्री और सांसद ने सिद्धार्थ विहार जल निगम प्लांट से 70 टैंकर को हरी झंडी दिखाकर नगर पालिका परिषद के लिए रवाना किया। इस दौरान उनके साथ साहिबाबाद विधायक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि नगर पालिका परिषद के लिए 70 टैंकर पानी जाएगा, जिसमें एक टैंकर दिन में 2 बार चक्कर लगाएगा और टैंकर के पानी की क्षमता 5,000 लीटर बताई गई है। हुए रवाना किया है।
इस दौरान जल निगम प्लांट से 70 टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उसमें से कुछ टैंकर्स ऐसे हैं जो दो बार दिन में चक्कर लगाए करेंगे, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। 70-75 के आसपास है, बहुत शुद्ध है, तो इस जल को पिए, क्यों पीते हैं उनका, और उसे फिर हम बंद कर देंगे। अभी सब पे कार्रवाई करेंगे, पहले सप्लाई शुरू हो जाए, लोगों को पर्याप्त मात्रा में गंगा जल मिलने लगे, फिर उन्हें बंद करा देंगे। विधायक जी, दो स्कूल पे खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में दिए गए हैं, उनका जो डेमोलिशन था वो हो चुका है, अब उनका निर्माण चालू होगा, किस तरीके से बनकर तैयार होंगे, कितने बच्चों को? NCR के सबसे खूबसूरत सरकारी स्कूल होंगे। साहब विधायक जी, स्वयं मैं और मेरे सारे सभासदगण और सभी सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, और बहुत अच्छा ये शुभारम्भ हमारा हुआ है। लोगों को बड़ी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि हर घर में जो नहाने धोने का पानी था वो उपलब्ध था, लेकिन पीने की पानी की समस्या सबसे ज़्यादा थी, और हर घर में कम से कम 2-3 बाकी 35-3 हज़ार की क्षमता के हर वार्ड के अंदर 2-2 टैंकर, 70 वार्ड हैं, 2-2 टैंकर अलग अलग तरीके से उनके यहाँ जो जाएंगे, ताकि सबके यहाँ 2-2 टैंकर हर वार्ड के अंदर हो, और एक आदमी के लिहाज से 200 लीटर उसको पानी मिल सके। कोशिश ये है और उसके लिए मैनपुरी के ओछा में सिपाही ने फोटो स्टेट करवाने के बाद दुकानदार के पैसे मांगने पर उसे वर्दी का रौब दिखाते हुए पैसे ही देने से मना कर दिया और दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके से फरार भी हो गया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और आरक्षी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही विभागीय कार्रवाई हेतु क्षेत्राधिकारी कुरावली को जाँच भी सौंप दी गई है। सेवा केंद्र में कांस्टेबल विक्रम यादव का एक व्यक्ति के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। खबर औरैया से है, जहां अछलदा थाना क्षेत्र में CNG ऑटो में अचानक आग लग गई, तो वही हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरा मामला अछलदा थाना क्षेत्र के बिधुना मार्ग का है। वही घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। वही सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ऑटो में लगी आग को बुझाया। कारण CNG कार चल रहा है, ये सूचना पर सारी पुलिस आ गई। बाद में पता चला कि एक जो जिनके आग लगी हुई है उनका नाम है जवाहरलाल दुबे है, रूजगंज के रहने वाले हैं, जो अभी जेल से छूट के आए थे। शायद इनकी 2012 में इनकी पत्नी हत्या के जुर्म में जेल गए थे। वो अपना सामान लेकर के कहीं जा रहे थे, उनके ऑटो में शायद वो गैस का कनेक्शन कुछ रिसाव होने में आग लगी थी। पूरी तरह से टेम्पो जल गया है, उनको घायलावस्था में हॉस्पिटल भेजा गया और उचित उपचार के लिए और आगे हम लोग भिजवा रहे हैं, बाकी शांति व्यवस्था में। सर कैसे पहचान हुई है? ये पहचान ऐसे हुई है कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इनके ऑटो से गाड़ी से संभल में इलाज कराने गए महिला को अस्पताल में डॉक्टर और उसके मित्रों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, जिसकी सूचना महिला ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर डी और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया। बावजूद इसके पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वह पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार उसको और उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद महिला ने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक से अब न्याय की गुहार लगाई है और न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की भी अब बात कही है। दवाई से कुछ नहीं हुआ, फिर वो कह रहे 5 तारीख में क्लिनिक पर आ जाना गालमपुर। हम उनकी क्लिनिक पर पहुंच गए, साजिद को और वाजिद को लेकर मैं उनके साथ क्लिनिक पर पहुंच गए। उन्होंने चेकअप करने के बहाने से मुझे अंदर को ले गए, कहेंगे कुछ चेकअप करना है। चेकअप करने के साथ में नदीम ने मेरे साथ में बलात्कार किया, वहाँ पर नाजिम भी था, पहले नदीम ने किया फिर नाजिम ने किया। मैंने शोर मचाने की कोशिश करी, नाजिम ने अंटी में स्तमंचा निकाल कर मेरे सीने पर रख दिया कि अगर शोर मचाओगी तो तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। इस वजह से मैं शोर न मचा पाई। मैंने फिर अपने घर वालों से बताई आके, तो इतने मेरे घर वाले ढूंढने के लिए भाग गए वहाँ से।
सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में मिली अज्ञात शव की हत्या का पुलिस कप्तान विपिन ताड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। बता दें कि पूरा मामला पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था, जिसमें आरोपी युवक ने दारू के नशे में अपने दोस्त का गला दबाकर उसके बाद अपने घर से केमिकल लाकर चेहरा जला दिया ताकि किसी प्रकार से शव की पहचान न हो सके। वहीं आरोपी ने बताया मृतक अंकुश से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसके चलते उसकी हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा गया। पेंट करने में काम आती थी, थिनर के एक प्रकार का थिनर था वो। इस पर पुलिस ने शव का फोटो लिया और जो थिनर की बोतल थी उसका प्रयोग किया। साथ ही घटना स्थल पर एक बटन भी मिला जो कि शर्ट का बटन था, और वो बटन का भी पुलिस ने जब्त किया उसको। और इन तीनों चीज़ों के आधार पर पुलिस ने जो मृतक है उसकी शिनाख्त अंकुश के रूप में की, जो कि थाना क्षेत्र देहात का ही रहने वाला था। और इसी क्रम में जब पूछताछ आगे पुलिस द्वारा की गई तो एक पंकज नामक युवक पर परिजनों ने शक जाहिर किया और पुलिस को भी पुख्ता सूचना मिली कि आखिरी बार पंकज ही मृतक के साथ देखा गया था। इस पर पंकज को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पैसों का लेन देन का विवाद था दोनों में और दोनों पूर्व से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद शासन के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाए जाने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बिजनौर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर भर में अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप भी मच गया। किनारे जो अतिक्रमण है अस्थाई अस्थाई दोनों तरह का पोस्टर बैनर होर्डिंग ये सब हटाए जा रहे हैं ताकि सड़क लोगों के चलने के लिए चलने लायक बनी रहे और सड़क को दुर्घटनाएं कम। शासन के निर्देश पे किया जा रहा है, आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पहले भी हम लोगों ने अतिक्रमण हटवाए, समय समय पर ये अभियान चलता रहा है और आगे भी ये सब चलता रहे। जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण दुकानों के आगे कर रखा है, क्या उनको चुनौती देकर छोड़ दिया गया है? नहीं, हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने से पहले सभी दुकानदारों को ये बता दिया था कि आप लोग अपना अतिक्रमण हटा लें। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना मोदी नगर इलाके के तेल मिल गेट के कृष्णापुरा कॉलोनी में महावीर पार्क में हनुमान की मूर्ति स्थापित करने का काम किया जा रहा था, जिसे आकर प्रशासन के लोगों ने रुकवा दिया, जिससे लेकर लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। हनुमान मूर्ति स्थापना का काम रुकवाए जाने की सूचना पर हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती देख मौके पर SDM मोदी नगर ने मोर्चा संभाला। शासन प्रशासन को अवगत करवा देना चाहता हूं, अगर हमारे भगवान राम हनुमान जी पे इस मूर्ति पे, मूर्ति ने हमारी आस्था का केंद्र है, अगर इस पे कन्ने से भी आ चाहिए मैं हाथ में आकर लूंगा, मैं खड़े होकर कह रहा हूं इसके जिम्मेदार SDM और SCP साहब होंगे। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पार्क है यहाँ पे महावीर पार्क, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा रात में जो है हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी। यहाँ पर आके लोगों को समझाया गया है कि उसका क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही यहाँ पे मूर्ति लगाई जा सकती है। तो लोगों को समझाया गया है, उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग अभी फिलहाल ढक दे रहे हैं मूर्ति को और आगे की कार्रवाई जो भी है विधिक रूप से, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, उस पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। यहाँ पर लोगों को समझा के शांत कराया जा चुका। अमरोहा में बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान महावीर की जयंती मनाई गई, जिसमें जैन समाज की महिलाओं ने कलश एवं रथ यात्रा निकाली है। बता दें कि कीरथ यात्रा जट बाजार के जैन मंदिर से शुरू होकर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आकर समाप्त हुई। इस दौरान भगवान की आरती भी की गई, वहीं शोभा यात्रा का शुभारंभ DM और पुलिस अधीक्षक ने किया। औरैया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देश में आपसी विवाद में गोलीकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि एक युवक ने महिला मित्र पर दूसरे युवक से बातचीत के शक में दूसरे युवक की हत्या की योजना बना ली थी और दूसरे युवक पर गोली चला दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वही गिरफ्तार युवक के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस समेत कई तमंचे बरामद किए गए हैं। दो लड़के जो मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल गोपाल अवस्थी चला रहे थे, पीछे सार्थक तिवारी थे, किसी प्रेम संबंधों को लेकर के दोनों में कुछ विवाद हुआ था
और इनके द्वारा शेखर शुक्ला को विवाद होने की स्थिति में पेट में गोली मार दी गई थी, जिसको तत्काल उचित इलाज हॉस्पिटल भेजा गया है। साथ छः टीमें बनाकर के तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हुए थे और इसमें तीन मुलजिम पकड़े गए हैं, जिसमें सार्थक तिवारी, गोपाल अवस्थी और साथ साथ इनके साथ में पकड़े गए हैं रजनीशुर बाबू। इनके द्वारा जो मारने के लिए अवैध शस्त्र जो बरामद कर दिया गया था, प्राप्त कराया गया था, वो भी इसमें शामिल थे। तीनों को पकड़ लिया गया। रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए हैं। बता दें कि नलकूप की बोरिंग करते समय बोरिंग का पाइप लटकते हुए बिजली के तारों में छू गया, जिसके बाद पाइप को पकड़े हुए 5 मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से CHC में भर्ती कराया गया है। फरीदाबाद के छायसा थाना क्षेत्र से गौ तस्कर का नया मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने गौरक्षकों की सूचना पर गौवंश से भरा एक कैंटर पकड़ा है, जिसमें 32 गौवंश बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। 6 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि नोएडा की तरफ से और पलवल की तरफ एक गाड़ी जाएगा, जो कैंटर है, बंद बॉडी का कंटेनर है, उस कंटेनर में गाय भरी है। तो हमने अपना नाका लगाया, हमारे साथ जो सूचना देने वाले थे वो भी थे। हमने ये करीब मौजपुर से टोल पहल से 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया था, वहाँ पीछे गाड़ी छोड़ के भाग गया। वहाँ जाकर चेक कराया तो इसमें गायें भरी थी, इसमें करीब 32 हैं। तो सूचना मिली थी, सूचना मिलने पर ही हम उसके आधार पर नाकर लगाकर खड़े हो गए और हमने छायसा टोल के पास KMP पर उनको पकड़ लिया, जिसमें तस्कर तो भाग गए लेकिन गाड़ी हमने पकड़ ली। तो कितने गोवंश बरामद हुए और क्या स्थिति इस समय गोवंशों की है? इसमें टोटल 31 गोवंश निकले हैं, 31 गोवंश हैं और सभी गोवंश जीवित हैं। इस गाड़ी में पकड़े हैं, 6 टायर बंद वाले डिब्बा था ये, जिसकी सूचना हमारे पास काफ़ी दिनों से थी और हम लग भी रहे थे इसके लिए, और ये इधर उधर हमें चकमा देकर कभी कहीं से रूट चेंज करके निकल जाती थी, लेकिन आज इसे हमने काबू किया है KMP छायसे पे टूल के पास। तो ये गाय कहाँ से कहाँ लेकर जाए जा रही थी? ये अलीगढ़ की तरफ से लाते हैं, अलीगढ़ हाथरस की तरफ से, और मेवात लेकर जाते हैं कटान। शहर में खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। बता दें कि ये निशान यात्रा बाबा गंगा मंदिर से प्रारंभ हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुष्कर नगर स्थित बालाजी मंदिर पर जाकर समाप्त हुई है। वह इस निशान यात्रा का लोगों ने शहर में जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया है और निशान यात्रा में काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। खबर हरदोई से है, जहां युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जवाब दो मोदी कार्यक्रम को लॉन्च किया और जिला कार्यालय पर कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से पोस्ट कार्ड के जरिए सवाल पूछे और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में सवाल नहीं पूछ सकते, इसलिए कांग्रेस के लोग मोदी और अडानी के रिश्ते के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम बिरला यादव जी के निर्देश अनुसार हम लोग मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर मोदी जी चुप हैं, तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो संसद में हमारे प्रतिनिधि सवाल तो पूछ नहीं सकते, उनका तो माइक भी म्यूट कर दिया था, इसलिए हम डायरेक्ट उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है और विदेशी दौरों में, आधिकारिक विदेशी दौरे में मोदी जी जितनी बार विदेश गए हैं, फिर वहाँ से अडानी जी को कितने ठेके मिले हैं और अडानी जी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपये है वो किसका है और कहाँ से आया है। दूसरा जो 609 नंबर पे अडानी जी थे और वो भारत के 8 वर्षों में दुनिया के दूसरे नंबर पर कैसे बन गए वो हम लोगों को बताएं, तो हम लोग भी वही फार्मूला अपनाएं। तमाम लोग जो घूम रहे हैं बेरोजगार वो भी ऐसे बन गए। हम लोग पोस्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम कर रहे हैं, हम लोग भेजेंगे उनको ताकि उनसे सवाल डायरेक्ट पूछ सकें, वो जवाब वहाँ से आए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो